हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। और हमने 17 जिले हरियाणा के पूरे कर लिए। अब जो हम करेंगे आपके 18वां 19वां जिला, उस दिन दो जिले बने थे हमारे। हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। और आज हम करेंगे झज्जर जिला। झज्जर जिला आपका 15 जुलाई 1997 को बना था। इस दिन दो जिले बने, आपका फतेहाबाद व झज्जर। ये जिला करने से पहले एक बच्चे का डाउट है दो तीन दिन से कि कलियाणा गांव दादरी जो अरावली की रेंज का दक्षिणी जो गांव कैसे हुआ। अगर आप अरावली रेंज की साइड से देखो तो अरावली रेंज आपकी कलियाणा दादरी में आके खत्म होती है और उसकी तलहटी में वो गांव बसा है। अरावली रेंज के प्रोस्पेक्ट में है ये, हरियाणा के प्रोस्पेक्ट में नहीं है ये गाँव दक्षिणी सबसे। अरावली रेंज अगर आप देखोगे तो उसके हिसाब से आपका कलियाणा रहेगा। दूसरा कि हरियाणा का जो उन्होंने पूछा कि विकिपीडिया में एक मिस्टेक है, हरियाणा का जो सामाजिक न्याय का जो मंत्री है, हरियाणा सामाजिक न्याय वो मंत्रालय किसके अधीन है, उसके जो मंत्री हैं आपके ओम प्रकाश यादव, उसमें मिस्टेक है, वो आप करेक्ट कर लेना। ओम प्रकाश यादव वो अपडेट नहीं है, वो क्वेश्चन शायद पहले का डाला है उसमें। अब एक क्वेश्चन और था कि 360 बावड़ियों का शहर, बावड़ियों की नगरी की अगर हम बात करें तो आपका महेंद्रगढ़ नारनौल को कहेंगे, 360 बावड़ियों का जो शहर है वो पिंजौर पंचकुला को कहेंगे। ये आप गलत मत कर देना। कर्ण कौशिक सर ने इस पे डिस्कस किया था, उन्होंने अपने रिसर्च के अनुसार ये क्वेश्चन निकाला था और उनसे एक बार डिस्कस भी किया था कि 360 बावड़ियों का शहर आपका पंचकुला रहेगा न कि नारनौल। बावड़ियों का शहर आए तो महेंद्रगढ़। क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझा करो आप। कलियाणा दादरी अरावली की रेंज के हिसाब से देखो तो कलियाणा गांव है अरावली की तलहटी में, जस्ट उसके पास नीचे वो गांव बसा है जहां पे हिलना पत्थर मिलता है। कौन सी मिट्टी का होता है वो? केओलिन। हिलना पत्थर के आपसे केमिकल फॉर्मेशन पूछ सकता है। झज्जर गांव किसने बसाया था? सेठ छज्जूराम ने, फिर छज्जूराम ने किसके कहने पे? मोहम्मद गौरी। झज्जर रियासत थी, झज्जर रियासत, इसमें दुजाना भी था। उस दिन आपको बताया था कि दुजाना के नवाब ने झज्जर से इस्तीफा दे दिया था, रोहतक जिले में बताया था, कौन से में हुआ आप देख लेना। अब इसका 15 जुलाई 1997 को गठन हुआ। इसकी एरिया 1834 वर्ग किलोमीटर, साक्षरता 80.65%। झज्जर जिला जो पहले था, जब पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद गौरी का तराई में युद्ध हुआ उस समय झज्जर था ही नहीं, वहां पे सिर्फ फॉरेस्ट था। तो पूछ ले कौन सा वो जिला था जो उस टाइम एक फॉरेस्ट हुआ करता था, आपका झज्जर। झज्जर में कितने गांव हैं? 264 आरक्षित सीट। झज्जर एकमात्र ऐसा जिला है जो खुद आरक्षित सीट है, स्वयं झज्जर आरक्षित सीट आपकी झज्जर। पॉपुलेशन 9,58,405। हाल ही में आपका नगर परिषद कौन सा जिला बना है? झज्जर सबसे बाद में। पर्यटन केंद्र अगर हम यहाँ का देखें तो गोरैया, फिर गोरैया आपका पर्यटन केंद्र कहाँ का है? झज्जर का। झज्जर में जो फेमस चीजें हैं, यहाँ का जो बहादुरगढ़ है वो हरियाणा प्रवेश द्वार कहलाता है। झज्जर में इतना खास कुछ नहीं था, बस छोटी क्लास आपकी, हरियाणा का प्रवेश द्वार। रियासतों को ज्यादा डिटेल में मत पढ़ो, एचसीएस के एग्जाम में थोड़ी डिटेल में पढ़ने की जरूरत है, एचएसएससी के लिए रियासतों को ज्यादा डिटेल में मत पढ़ो, बस ये याद रखो दुजाना कहां की किसके अंडर में था। आपका प्रवेश द्वार कौन सा है? बहादुरगढ़। यहाँ का एक उद्योग फेमस है, सैनिटरी उद्योग। सब पूछ ले सैनिटरी उद्योग कहाँ का फेमस है? बहादुरगढ़ का। अब आपका माता भीमेश्वरी देवी मंदिर, माता भीमेश्वरी देवी मंदिर, इनका जो मंदिर है वो बेरी गांव झज्जर में है। बेरी गांव जिसे अमीरों का गांव भी कहते हैं, अमीरों का गांव बेरी गांव झज्जर। आपसे ये भी पूछ सकता बेरी का संबंध किस कौन से जिले से,
आपका झज्जर से, यहाँ पे नवरात्रि के दिन मेला लगता है, नवरात्रि पे मेला। जो उत्तर भारत का भूकंप मापन केंद्र है, पहला भूकंप मापी केंद्र उत्तर भारत का पहला आपका कहाँ बना है? झज्जर में। भिंडावास व खप्परवास वन्य जीव अभयारण्य, भिंडावास व खप्परवास ये दोनों आपकी कहाँ है? झज्जर। एचएसएससी सबसे सुंदर झील किसे मानती है? भिंडावास को। कब बनी थी? 2009 में। सबसे बड़ी किसे मानती है? भिंडावास झील। सबसे बड़ी झील बड़खल फरीदाबाद को कंसीडर, नहीं दमदमा, दमदमा सबसे ज्यादा ज्यादा जो पर्यटन केंद्र मानती है वो बड़खल फरीदाबाद। भिंडावास खप्परवास सबसे सुंदर झील आपकी भिंडावास को अच्छे मानती है। यहाँ का एक प्रतापगढ़ फार्म है, प्रतापगढ़ फार्म या शशि ने बहुत बार पूछ लिया प्रतापगढ़ फार्म कहाँ है? झज्जर। यहाँ पे आपके जो गांव से जुड़ी हर चीज, मतलब पशु पक्षी हर चीज का मतलब आप अनुभव ले सकते हो। एक रिसोर्ट टाइप बना दिया इसे, अब घूमने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं प्रतापगढ़ फार्म। एक जोए गांव, जोए गांव ये क्या है? ये भी आपका गांव में रिसोर्ट है, तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रतापगढ़ फार्म की तरह जोए गांव का संबंध आपसे पूछ सकता है। इंग्लिश में JOYGAON, जोए गांव झज्जर। यहाँ के मेले देखो, अब हरियाणा का सबसे बड़ा सहज कहाँ पे आपका? झज्जर में। सहज स्पेशल इकोनॉमिक जोन कौन सी कंपनी का? रिलायंस का सबसे बड़ा सहज स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इसकी फुल फॉर्म आ सकती है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। मेले झज्जर के गरीब लोग, ये इसकी ट्रिक है, झज्जर के गरीब लोग दुल्हन डी पे श्याम जी को रंग लगाते हैं, श्याम जी को रंग। तो झज्जर हमारा कीवर्ड, गरीबदास का मेला बाबा गरीबदास, दूल्हंडी का मेला ये भी, श्याम जी का मेला, तीनों श्याम जी की छड़ी आपकी रेवाड़ी में, श्याम जी का मेला झज्जर में, छड़ी वाला मेला आपका करनाल में। जो दूल्हंडी का मेला है आपका दूल्हंडी मेला झज्जर, और एक संत नित्यानंद का मेला, संत नित्यानंद, इनका संबंध पूछे तो नारनौल से, इनका मेला पूछे तो वो झज्जर से रहेगा, संत नित्यानंद। बाबा बुड्ढा का मेला अशोधा झज्जर, बाबा बुड्ढा मेला अशोधा झज्जर। आपको फेमस सारी चीजें करा दी गई हैं जो HSSC मानती है, वो ऐसे नहीं है कि किसी गांव से ये कोई भी ऐसे गांव से आपके कर लिए। झज्जर यहाँ के आरक्षित सीट, झज्जर को शहीदों का शहर, शहीदों का शहर, अमर शहीदों का गांव आपका फरीदाबाद का तिगांव, शहीदों का शहर पूछे झज्जर, सिटी ऑफ वॉर हीरोज आपका भिवानी, अमर शहीदों का गांव आपका तिगांव जो फरीदाबाद का था, शहीदों का शहर झज्जर। मंदिरों का गांव पूछे तो बेरी झज्जर, बेरी मंदिरों का गांव, सबसे ज्यादा मंदिर किस गांव में माने जाते हैं आपके? बेरी गांव में, मंदिरों का गांव ये समझ लेना। पे जहां पे ज्यादा अमीर लोग होंगे वो ज्यादा चंदा वो करेंगे, चढ़ावा करेंगे, तो उसमें ज्यादा मंदिर होंगे, तो बेरी गांव झज्जर। ये बस आपकी याद रखने के लिए, ऐसा फैक्ट कुछ नहीं है, बेरी गांव झज्जर आपका मंदिरों का गांव, शहीदों का जो आपका अमीरों का गांव भी है और शहीदों का शहर झज्जर, अमीरों का गांव आपके लिए। देख लो भाई कितनी गर्मी में क्लास बना रहे हैं, तो आप शेयर जरूर कर दीजिए करो, आपके लिए कर रहे हैं मेहनत सारी। हरियाणा में सनातन धर्म की पहली ब्रांच है झज्जर में, 1886 सनातन धर्म, सनातन धर्म की स्थापना सबसे पहले हरियाणा में कहाँ हुई? झज्जर में। बहादुरगढ़ का खनन उद्योग फेमस है, मंदिर देखें तो भीमेश्वरी देवी व रुडमल मंदिर,
विमेश्वरी मंदिर व रुडमल मंदिर दोनों आपके झज्जर में रहेंगे। बीमा देवी मंदिर आपका पंचकुला में है, विमेश्वरी आपका झज्जर में, रुडमल मंदिर आपका झज्जर। एक है अरावली तापी विद्युत केंद्र। आप थोड़ा सा दिमाग से सोचा करो कि ऐसे नाम रखने से कुछ नहीं होता। जैसे अगर 360 बावड़ियों का लिख दिया तो आप सीधा नारनौल पे जाओगे, वो उसका उपनाम कुछ भी हो सकता है। जैसे अगर पंचकुला को वो भी कहते थे झरनू का शहर, पांच झरनू का, लेकिन आज तो नहीं है ना उसे। तो इस तरह से अब अरावली तापी विद्युत केंद्र, तो फिर आप कहोगे झज्जर है, अरावली यहाँ पे क्यों रखा, अरावली तापी विद्युत केंद्र। नाम उस टाइम में किसी हिसाब से रख सकते थे। अरावली तापी विद्युत केंद्र, इसका दूसरा नाम क्या है, इंदिरा गांधी। कहाँ आपका झज्जर में, HSSC में क्वेश्चन आया था ये झज्जर। और कौन सा है, महात्मा गांधी। कहाँ आपका, जाडली। प्रथम कैंसर हॉस्पिटल हरियाणा का, प्रथम कैंसर हॉस्पिटल बाड़सा झज्जर। और झज्जर में एक आपकी ऑर्नामेंटल फिशरी, जो आपकी सुंदरता मत्स्य, मतलब ऑर्नामेंटल सिर्फ सजावट के लिए, जैसे घरों में नहीं रखते हम उस टाइप से ऑर्नामेंटल हैचरी, जैसे आपकी नर्सरी होती है पौधों की, इसी तरह फिश हैचरी, ऑर्नामेंटल फिश हैचरी आपकी झज्जर में। कब बना था अरावली तापी विद्युत केंद्र आपका, 14 अप्रैल 2008। किसके अंडर में आते हैं, HPGCL हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। आपका पुरातत्व संग्रहालय, देखो लीलाधर दुखी संग्रहालय आपका सिरसा में रहेगा। गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय कुरुक्षेत्र में, पुरातत्व संग्रहालय नाम से आए। तो पानीपत संग्रहालय भी पुरातत्व, वो अलग है, वो पानीपत पुरातत्व संग्रहालय। एक पुरातत्व संग्रहालय आपका झज्जर 1965 में बना था, तो किसने बनवाया था, स्वामी ओमानंद, स्वामी ओमानंद। तो पुरातत्व संग्रहालय आपका झज्जर से, इसमें बाकी आपको सेपरेट वीडियो मिल जाएगी। एक काजी की मस्जिद है यहाँ पे दुजाना गांव झज्जर में, काजी मस्जिद। काजी मस्जिद का संबंध है दुजाना डिस्ट्रिक्ट, पूछे तो आपकी झज्जर, दुजाना झज्जर। सबसे बड़ा पशु मेला हरियाणा का, बड़ा पशु मेला जहाजगढ़। अब जहाजगढ़ आपके जॉर्ज थॉमस की जो कोठी है उसे भी कहते हैं। तो ये चीजें आप थोड़ा सा जो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है वो देखा करो, इसी वजह से हमारे क्वेश्चन गलत होते हैं। जहाजगढ़ पशु फार्म है सबसे बड़ा हरियाणा का, भारत का पूछे तो सोनपुर बिहार। जहाजगढ़ वैसे जगह का जो कोठी थी जॉर्ज थॉमस की, उसे भी जहाज कोठी, जहाजगढ़ कह देते हैं। लेकिन जहाजगढ़ जो प्रॉपर जगह है वो सिर्फ उस जगह का जो जो कोठी थी उसका नाम था। तो जहाजगढ़ व प्रतापगढ़ याद रखना, दोनों गढ़, प्रतापगढ़ जहाजगढ़ झज्जर। अब प्रमुख व्यक्ति तो देखते हैं झज्जर से। झज्जर से और क्या मान्यता है पुराने समय की, धमाल नृत्य। कौन कौन से जिले से, धमाल, झज्जर व महेंद्रगढ़ है, दोनों धमाल नृत्य से संबंधित हैं। आपका खोड़िया व घूमर, घूमर प्लस खोड़िया, ये कैथल में है, कैथल। अकेला घूमर पूछे, ये आपका हिसार, राजस्थान से टच होता, सिरसा। प्रमुख व्यक्ति तो दलवीर सुहाग, ये आप नाम लिख लो जल्दी जल्दी, दलवीर सुहाग जो पूर्व
थल सेना अध्यक्ष थे दलवीर सुहाग का संबंध झज्जर से। अब्दुल रहमान जिन्होंने 1857 की क्रांति में झज्जर से नेतृत्व किया, अब्दुल रहमान बहुत बार पूछ चुके हैं एचएसएससी। अब कैच स्टेट में आता एडम लोचब कहां का डीसी था, एडम लोचब रोहतक का, अंग्रेजों की तरफ से रोकने आया था ये। हरियाणा के प्रमुख जो प्रथम मुख्यमंत्री थे भगवत दयाल शर्मा, इनसे दो टाइप से क्वेश्चन हर बार मिलता, आज तक कोई ऐसा एग्जाम नहीं गया एचएसएससी का पिछले 3-4 साल में कि भगवत दयाल शर्मा से क्वेश्चन नहीं आया हो। कोई भी शिफ्ट ऐसी नहीं गई हरियाणा की, या तो पहला मुख्यमंत्री पूछ लिया या भगवत दयाल शर्मा का संबंध पूछ लिया झज्जर से। जगत सिंह जाखड़ इनका संबंध भी झज्जर से है। पंडित श्रीराम शर्मा जिन्होंने हरियाणा तिलक नाम का समाचार पत्र निकाला था, पंडित श्रीराम शर्मा। जो पंडित नेक्की राम शर्मा थे जिन्होंने आपका संदेश निकाला था जाट गजट आपका चौधरी छोटू राम ने, कौन सा अखबार था इनका, हरियाणा तिलक। हरियाणा केसरी की उपाधि किसे मिली थी आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। पंडित बस्ती राम का संबंध भी झज्जर से है, पंडित बस्ती राम। एक आपका बुआ कुमारी का तालाब व मेला, उनका तालाब पूछे तो झज्जर, बुआ कुमारी तालाब। उनका संबंध पूछे तो उनका मेला व संबंध आपका झज्जर से ना आपका हिसार से रहेगा, कुमारी गांव भी आपका हिसार में है। बुआ कुमारी का तालाब झज्जर, उनका मेला है तो हिसार, हाँ से हिसार। हरियाणा का सबसे बड़ा बस स्टैंड आप सभी को पता ही है, रिलैक्सो चप्पल उद्योग ये आपका झज्जर में रहेगा। बाटा शूज आपका फरीदाबाद व लिबर्टी, ये तीनों आपके डाउट क्लियर हो गया आज। करनाल, रिलैक्सो आपकी झज्जर। तो ये था जी झज्जर से हमने पूरा कुछ जो मेन मेन चीजें थी जो हर बार पूछती है, भगवत दयाल शर्मा को याद कर लियो बस कि झज्जर से संबंध था, प्रथम मुख्यमंत्री थे, प्रथम मुख्यमंत्री हरियाणा के, प्रथम राज्यपाल धर्मवीर, दोनों याद कर लो। मंत्रिमंडल से आपको सेपरेट वीडियो अच्छी सी मिल जाएगी तो आप देख लेना। तो आज के लिए बस इतना है, आई होप जो बच्चे के क्वेश्चन थे वो डाउट क्लियर हुए होंगे, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको रिप्लाई जरूर देंगे हम। तो आज के लिए बस इतना ही, झज्जर जिला हमने कंप्लीट किया, फतेहाबाद जिला पढ़ेंगे, उसमें थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, जो फिरोज शाह तुगलक से संबंध है तो वहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।